बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने की प्रॉब्लम के ऊपर, उसे चेहरे के ऊपर से कैसे ख़त्म किया जाए, क्या ऐसी ट्रीटमेंट की जाए कि वो वापस ना आए। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश लेके आई हूँ जो 3 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम हल करेगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊँगी कि और आप क्या करो कि आइंदा कभी भी आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए जो मैं आप लोगों के लिए फ़ेस वॉश लेके आई हूँ वो है पॉन्ड्स एक्नी सॉल्यूशन फेस वॉश। इसकी जो मार्केट प्राइस है ना वो 200 रुपीज़ है, आपको आराम से कॉस्मेटिक शॉप से ये मिल जाएगा। मेरी एक कज़न को एक्नी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसने इस फेस वॉश को यूज़ किया, पूरे 3 माह यूज़ किया और 3 माह के बाद उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब वो इस फेस वॉश को यूज़ नहीं करती क्योंकि उसका चेहरा इतना साफ हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप ही से यूज़ करें 2 से 3 माह तो इंशाल्लाह आपकी भी ये प्रॉब्लम हल होगी। तो मैं आपको दिखा दूँ ये किस कलर का होता है, ये देखिए। ये फेस वॉश आपके चेहरे से एक्नी को ऐसे ख़त्म करेगा जैसे कि आपके चेहरे पे थी ही नहीं। अब मैं आपको बता दूँ कि आपने इसे लगाना कैसे है। आपने अपने चेहरे को हल्का सा गीला करना है पहले, ठीक है। थोड़ी सी मिकदार में आपने फेस वॉश लेना है और अपने चेहरे के ऊपर लगा के ना आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है। और फेस वॉश को 2 से 3 मिनट आप अपने चेहरे पे लगा रहने दिया करें और हल्का हल्का मसाज किया करें ताकि कि आपके चेहरे की जितनी भी गंदगी है वो उतर सके, ठीक है। जो आपके चेहरे का ऑयल है, डस्ट है, वो सारी रिमूव हो। इसके लिए 2 से 3 मिनट लगा के ना हल्का हल्का आप मसाज किया करें और जब मसाज कर लें 2 से 3 मिनट बाद फिर आप अपने चेहरे को वॉश करें तो आपको बहुत बेस्ट इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपका चेहरा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएगा। और आपने इसे दिन में 3 बार यूज़ करना है, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं आपने करना क्योंकि 3 से ज़्यादा बार आप अगर यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। कोई भी चीज़ है, चाहे फेस वॉश हो, क्रीम हो, लोशन हो, कोई भी चीज़ हो जो आप चेहरे पर लगाते हो, तो जितनी बताई जाए आप इतना यूज़ करो, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा अच्छे जल्दी से रिज़ल्ट के लिए अगर आप ज़्यादा चीज़ को यूज़ कर लोगे तो वो फिर साइड इफ़ेक्ट की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि आप 3 बार कहा कि अगर आप 6 बार यूज़ करोगे तो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और ऊपर प्रॉब्लम्स दूसरी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपने 3 बार इसे यूज़ करना है। 3 बार अगर आप डेली यूज़ करते रहोगे ना तो 3 दिन में कंपनी वालों का 3 दिन में आपकी एक्नी ख़त्म होगी। अगर आपकी 3 दिन में ख़त्म नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ दिन और लग जाएंगे। ये तो नहीं ना कि ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होगी क्योंकि ये बहुत बेस्ट है फेस वॉश, ठीक है। ये एक्नी के लिए, ये एक्नी को रिमूव करेगा। और गलती से ये ना हो कि कोई इसे वाइटनिंग के लिए ला के इस्तेमाल कर रहा, नहीं, ये एक्नी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके चेहरे से एक्नी को ख़त्म करेगा, आपके चेहरे को क्लियर करेगा। इस फेस वॉश के साथ एक और चीज़, एक बात मैं जो और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब आपको एक्नी की प्रॉब्लम हो, ऑयल की हो, पिंपल्स की हो, तो क्या करना है आपने कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। और धूप में और किचन में कुछ ऐसा करते हुए आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है। आप बाहर नहीं भी जाते, आप घर में हो तब भी आप सन ब्लॉक लगाओ, ठीक है। क्योंकि जब ये स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है तो हर चीज़ स्किन के ऊपर अटैक कर रही होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल किया करें, ठीक है। सन ब्लॉक का यूज़ डेली रखा करें, एक तो पानी पीना है, सन ब्लॉक लगाना है। और एक और चीज़ कि अगर आप मेकअप करते हो तो आपने तब तक मेकअप नहीं करना जब तक कि आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम हल नहीं हो जाती। जब ये हल हो जाए तो फिर आप मेकअप कर सकते हो। और ऑयली और तली चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना, पकौड़े, समोसे, ऐसी चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है, ठीक है। तो साथ में आप फेस वॉश यूज़ करें तो देखिएगा 1 से 2 माह में बिल्कुल आपका चेहरा बिल्कुल वाइट, क्लियर, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।